फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, वोडाफोन कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है? ए 10,000 करोड़, बी 15,000 करोड़, सी 20,000 करोड़ या डी 25,000 करोड़। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कृपया ध्यान दें कि 30 सितंबर को प्रतियोगिता की समाप्ति के बाद परिणाम हेतु सूचना जारी की जाएगी। नवगछिया, बूथों पर होगी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, 20 स्थानों पर बनाए जाएंगे चेक पोस्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन स्तर से तैयारी पूरी कर ली गई है। चुनाव के दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसको लेकर पुलिस एक रणनीति तय कर चुकी है। चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों पर पुलिस शिकंजा कसने की कार्रवाई शुरू कर दी है। असामाजिक तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई एवं अपराधियों पर सीसीए की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चुनाव को लेकर रविवार को नौगछिया अनुमंडल कार्यालय स्थित सभागार में एसपी स्वप्ना जी मिश्राम की अध्यक्षता में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एसडीपीओ दिलीप कुमार, डीएसपी मुख्यालय असरार अहमद सहित पुलिस जिले के दोनों सर्किल के इंस्पेक्टर एवं सभी थाने के थानाध्यक्ष शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनाव को स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए पुलिस के द्वारा, आज जिला पुलिस के द्वारा एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला के जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, SHOs हैं, सर्कल इंस्पेक्टर्स और DSP जो हैं उपस्थित थे। इसमें जो हमारी रणनीति है आने वाले चुनाव के लिए, उसके बारे में बताया गया। मुख्यतः जो है वो हमारा फोकस रहेगा आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में 107 की कार्रवाई, प्रिवेंटिव एक्शन जो है उसको किया जाए, अपराधियों को चिन्हित करके उनको गिरफ्तारी की जाए, जो पूर्व से गंभीर कांडों में वांछित अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, साथ साथ जो शराबबंदी जो लागू है उसको इफेक्टिवली, उस पर इफेक्टिवली कार्रवाई करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो। इसके साथ साथ जो CCA के प्रस्ताव समर्पित किए जा रहे हैं उसको ज़्यादा नंबर्स में समर्पित करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी इम्पोर्टेंट चौक चौराहे पर पुलिस की प्रेजेंस दिखे, साथ में व्हीकल चेकिंग, वाहन चेकिंग, इस पर विशेष ध्यान हमारा रहेगा। नवगछिया में SP के नेतृत्व में वाहनों की हुई जांच। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा गतिविधि तेज कर दी गई है। रविवार की संध्या समय नौगछिया 0 माइल में SP स्वप्ना जी मिश्रम के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान दोपहिया वाहन सहित माल वाहक वाहनों, प्राइवेट चार पहिया वाहनों की जांच की गई। इस दौरान ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूल किया गया। इस कार्रवाई के दौरान SDPO दिलीप कुमार, नौगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास सहित पुलिस बल शामिल थे। SP स्वप्ना जी मिश्राम ने कहा कि यह कार्रवाई लगातार पुलिस द्वारा चलाई जाएगी, नए नए स्थानों पर औचक चेकिंग अभियान चलेंगे। SP ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसको लेकर अपराधियों की गतिविधियों एवं चेकिंग अभियान के तहत मॉनिटरिंग की जा रही है। आसन्न विधानसभा चुनाव जो है उसकी तैयारी में सभी जगह पे थाना क्षेत्र में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कोई फरारी अपराधी है उनको पकड़वाना, इसके अलावा लूट, इस तरीके के कांडों में जो संलिप्त लोग हैं उनको पकड़ना, इसके साथ साथ जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा छोटी और बड़ी व्हीकल्स भी हम चेकिंग करवा रहे हैं, जिसमें अवैध शराब, अवैध हथियार या क्रिमिनल्स की आवाजाही नहीं हो जिला में, इसके लिए जो है वो स्ट्रिक्टली कार्रवाई की जा रही है। आज हम नौगछिया का जो मेन 0 माइल है यहाँ पे चेकिंग लगवाए हैं, यहाँ पे सभी SDPO से लेकर SHO तक सारे वरीय पदाधिकारी यहाँ पे चेकिंग में है और सभी जगह पे ऐसे ही औचक चेकिंग की जाएगी, जिससे जो है वो अपराधियों पे लगाम लगाने और शांतिपूर्ण चुनाव करने में जो है वो मदद। ये कब तक होगा मैम? ये पूरा समय रहेगा हमारा, इलेक्शन तक भी, उसके बाद में भी लगाएंगे। कुछ रिकवरी हुआ? नहीं, अभी कुछ लोगों के बेसिकली हम लोगों ने चलान ही किए हैं, चेकिंग वगैरह किए हैं, हम तो कुछ नहीं मिला, डेफिनेटली कंटिन्यूस चल रहा है।
केवल पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTEC, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौरिया 9534338689 7856914231 6206224713। बेल्ट प्रमोशन टेस्ट में उत्तीर्ण खिलाड़ियों को दिया गया प्रमाण पत्र। भागलपुर जिला ताइक्वांडो संघ के द्वारा हाई स्कूल नवगछिया में ताइक्वांडो खिलाड़ियों को जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव घनश्याम प्रसाद ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर ताइक्वांडो कोच अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जेम्स फाइटर मोहम्मद नाजीम आदि उपस्थित थे। विगत माह में जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में मार्शल आर्ट ताइक्वांडो बेल्ट प्रमोशन टेस्ट का आयोजन किया गया था। इस टेस्ट में उत्तीर्ण खिलाड़ी को बिहार ताइक्वांडो संघ के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया। उत्तीर्ण खिलाड़ियों में अभिनव कुमार, सोनाक्षी, हर्ष कुमार, प्रियांशु हरिओम, प्रिया कुमारी, शिवम कुमार, मीनाक्षी कुमारी शामिल थे। सभी उत्तीर्ण हुए खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं ताइक्वांडो जिला के मीडिया प्रभारी जेम्स फाइटर ने सभी ताइक्वांडो खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। नवगछिया, कोसी कटाव के मुहैने पर जांगीपुर बैसी ग्रामीणों ने भेजा त्राहिमाम संदेश। नवगछिया के रंगरा चौक प्रखंड स्थित कोसी तटवर्ती गांव कटाव के एकदम मुहैने पर आ गया है। अब कोसी नदी गांव से महज 200 मीटर की दूरी पर आ गई है। विगत 5 दिनों से कोसी नदी तीव्र कटान कर रही है, जिससे बड़ी तेजी से उपजाऊ जमीन कोसी नदी में विलीन हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बार बार प्रशासनिक पदाधिकारी को सूचना दिए जाने के बाद भी अब तक गांव को बचाने की कवायद शुरू नहीं की गई है। अगर इसी तरह कटाव को नजरअंदाज किया गया तो कोसी नदी पूरे गांव को अपने आगोश में समा लेगी। नवगछिया, नव निर्वाचित अध्यक्ष को बधाई। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के नव निर्वाचित अध्यक्ष महेश जलान को पूर्व अध्यक्ष विनोद तोरी ने अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। समारोह का उद्घाटन अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम शर्मा ने किया। समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सराफ, नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवर्धन प्रसाद गडोड़िया, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल रुंगटा सहित कई अन्य उपस्थित थे। वहीं नवगछिया के बाल भारती विद्यालय में भी जूम ऐप पर नवगछिया शाखा के सचिव विनोद केजरीवाल, उपाध्यक्ष दयाराम चौधरी, विश्वनाथ यादव का कोषाध्यक्ष प्रमोद केडिया सहित कई अन्य उपस्थित थे। उक्त जानकारी अशोक केडिया ने दी। साधोपुर गांव में 230 लोगों की हुई जांच, एक महिला कोरोना पॉजिटिव। नवगछिया के रंगरा चौक प्रखंड के साधोपुर गांव में 230 कोरोना संदिग्ध लोगों की जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया, जिसमें साधोपुर गांव की एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। रंगरा PSC के डाटा ऑपरेटर मिथिलेश कुमार ने बताया कि महिला को होम क्वारंटीन रहने को कहा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर शोक। राजद की ओर से जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह उन गिने चुने राजनेताओं में से थे जिन्हें भारत के विदेश, वित्त और रक्षा मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। वहीं युवा नेता शैलेश यादव, जिला प्रधान महासचिव संजय मंडल, तनवीर बाबा, हिमांशु झा, हिमांशु यादव आदि ने भी शोक जताया है। गोपालपुर, ममता महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ छेड़छाड़ का प्रयास, पीड़िता ने दिया थाने में आवेदन। गोपालपुर PSC की ममता महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ प्रसव कराने आई महिला के परिजन द्वारा शनिवार की देर रात को ड्यूटी से वापस घर जाने के दौरान गोपालपुर थाने के निकट छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। पीड़ित ममता कार्यकर्ता ने इसकी सूचना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दी है। उसके बाद उक्त ममता ने पूरे मामले की लिखित जानकारी गोपालपुर थाना अध्यक्ष को देकर उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की रात्रि को 8 बजे के आसपास अपनी ड्यूटी समाप्त कर अपने साथ ममता के रूप में कार्य करने वाली सहयोगी के साथ वह घर वापस जा रही थी। उसका पीछा करते हुए पचगछिया गांव का एक युवक गोपालपुर थाने के आगे छेड़छाड़ करने का प्रयास करने लगा। थाना अध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती ने बताया कि आवेदन के आलोक में मामले की जांच करवाई जा रही है। नवगछिया के परबत्ता में करंट लगने से युवक की गई जान। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी निवासी रंजीत यादव, 33 वर्षीय पिता नंदी यादव की करंट लगने से जान चली गई। परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि वह घर में बिजली का काम कर रहा था, इसी दौरान वह करंट के संपर्क में आ गया। वहीं करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप, नवगछिया, भागलपुर। अभी कॉल करें 88-73-97-36-80, 8225-6905 या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। नवगछिया में सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक महिला व एक युवक घायल। रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के साधोपुर गांव में दो मोटर बाइकों के बीच हुई सीधी टक्कर में एक ही मोटरसाइकिल पर बैठी एक महिला व एक युवक घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घटना के तुरंत बाद दोनों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को जिला अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया गया। घटना दोपहर बाद की है। घायलों की पहचान रंगरा के साधोपुर निवासी सुनील यादव की पत्नी रत्ना देवी के रूप में की गई, जबकि घायल युवक भागलपुर जिले के ममलखा सबौर निवासी राकेश कुमार है। वहीं जानकारी मिली कि दोनों गोपालपुर के गोसाई गांव से साधोपुर जा रहे थे। समाचार प्रसारित तक दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। ढोलबज्जा, शराब पीकर जुआ खेल रहे युवक ने चुराया बकरी, बकरी को अर्धमरा कर केले खेत में छुपाया। कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रताप नगर कदवा में बकरी चोरी कर भागे एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि प्रताप नगर में नवनिर्मित पेट्रोल पंप स्थित फोरलेन सड़क के पूर्व बांस बिट्टा की आड़ में कई लोग झुंड बनाकर जुआ खेल रहे थे। वहीं बगल में प्रताप नगर निवासी ब्यास सिंह के बासा पर बकरी चारे खा रही थी। इसी बीच उन जुआरियों के बीच में से आए बोरबा मुसहरी निवासी श्रीपति ऋषिदेव के दामाद ने बकरी चुरा कर वहां से भाग गया। भागने के दौरान खेतों में काम कर रही गांव की एक महिला ने युवक को बकरी ले जाते देख लिया, जिसके निशानदेही पर युवक को पकड़कर पूछताछ की गई तो अधमरा कर बगल के ही केला खेत में छिपा कर रखी बकरी बरामद हुई। कदवा ओपी थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरमसिया गांव निवासी रामोतार ऋषि देव के पुत्र विश्व ऋषि देव है, जो शराब के नशे में धुत है। नवगछिया, जाली नोट संचालित करने के मामले में एक गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने रविवार को छापेमारी कर थाना क्षेत्र के सिमरा निवासी गिरधारी झा को गिरफ्तार कर लिया है। नवगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने कहा कि गिरधारी झा को जाली नोट मामले में फरार चल रहा था, जिसे छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। नवगछिया दो गिरफ्तार। नवगछिया के इस्माइलपुर ने छापेमारी कर थाना के प्राथमिकी अभियुक्त थाना क्षेत्र के चतुरदास टोला निवासी पंकज मंडल एवं पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप, नवगछिया, भागलपुर। अभी कॉल करें 88-73-97-36-80, 8225-6905 या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979-85-0079, 7549-6838-88। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट,
ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौबतिया, 9534338689, 7856914231, 6206224713।